हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। पांच सौ एक कन्याओं ने सरैया संगम नून नदी घाट से कलश जल भरी। कौशल किशोर सिंह की रिपोर्ट। वैशाली पातेपुर प्रखंड क्षेत्र के लधो भुसाही ब्रह्मस्थान के पास 24 घंटे के अष्टयाम यज्ञ को लेकर 501 कन्याओं ने सरैया संगम नून नदी घाट से कलश में पवित्र जल भरकर 4.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर यज्ञ स्थल पहुंची। यज्ञ के शुभारंभ के मौके पर स्थानीय विधायक लखेंद्र कुमार रोशन ने यज्ञ में भाग लेकर पूजा अर्चना कर अखंड जाप की शुरुआत की। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पातेपुर के लधो भुसाही ब्रह्मस्थान के नजदीक शुरू होने वाली 24 घंटे के अष्टयाम यज्ञ को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना है। सामाजिक सहयोग से होने वाले इस यज्ञ में क्षेत्र के 501 कुंवारी कन्याओं ने मुजफ्फरपुर वैशाली के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित सरैया संगम घाट नून नदी से संकल्प के उपरांत पवित्र जल कलश में भरकर 4.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद यज्ञ स्थल पहुँचे। हेलो आचार्य महोदय, माननीय विधायक श्री लखेंद्र पासवान जी पधार चुके हैं, तो मैं अपनी कमेटी की ओर से, यहाँ के तमाम जनता की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। अभी हमारे बीच में उपस्थित है बीजेपी के मंडल अध्यक्ष श्री उमेश बाबू, मैं उनका अपनी तरफ से, अपने कमेटी की ओर से, तमाम जनता की ओर से अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर जितने भी आए हुए मेरे गणमान्य क्षेत्र सम्मानीय से लेकर के और विशेष व्यक्ति आए हुए हैं, मैं अपने दिल से, अपने हृदय से, जनता का, तमाम जनता की ओर से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हेलो, जितने भी कन्याएं जो जल यात्रा से आई है, कलश यात्रा से आई है, कितना शांति।